हेलो फ्रेंड्स, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं। चलो देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर इन पोलार फॉर्म। और क्वेश्चन नंबर 8 कहता है एक्सप्रेस इन एक्स प्लस आई वाई फॉर्म। तो ये दो अलग अलग क्वेश्चन है, इसमें करना क्या है देखिए। सबसे पहले पोलार फॉर्म क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ कि जनरली कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर होता है वो ऐसा होता है जेड इज इक्वल टू ए प्लस बी आई, जिसमें ए और बी रियल वैल्यूज होते हैं और ये इमेजनरी पार्ट है। अगर इसी को मैं इसके एम्पलीट्यूड के फॉर्म में यानी जेड इज इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दूँ, जिसमें थीटा जो है वो आर्ग्यूमेंट होता है, आर जो होता है मॉड्यूलस होता है, अगर इस फॉर्म में कर दे तो इसको कहते हैं पोलार फॉर्म। यानी अब हम इसके अंदर क्या करेंगे, आर और थीटा फाइंड करेंगे। बट वो कैसे किया जाए, तो आर निकालने का फॉर्मूला होता है दोस्तों, इसको मॉड्यूलस ऑफ जेड भी बोलते हैं, रूट ऑफ ये जो ए और बी की वैल्यूज होती है दोनों को स्क्वायर करना। थीटा निकालने के लिए आप कॉस थीटा का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, कॉस थीटा होता है ए अपॉन आर, एंड साइन थीटा भी यूज कर सकते हैं बिकॉज साइन थीटा होता है बी अपॉन आर। इन दोनों में से कोई एक फॉर्मूला यूज करके आप थीटा निकाल सकते हैं। तो चलो देखते हैं इसमें कैसे सॉल्व किया जाए। इसको सबसे पहले आप कंपेयर करते हैं ए प्लस बी आई से, ये जनरल फॉर्मेट है जेड का। अब इसको हम पोलार फॉर्म में कन्वर्ट करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले आप कंपेयर करते हैं, कंपेयरिंग बोथ साइड, दोनों साइड को कंपेयरिंग करते हैं, तुलना करते हैं, तो आपको फर्स्ट ए मिल जाता है माइनस वन एंड जो दूसरा बी है वो मिल जाता है रूट थ्री। आई के साथ बी है, आई के साथ रूट थ्री है। अब सबसे पहले आप जेड का जो मॉड्यूलस है दैट इज आर वो निकालते हैं। उसके फॉर्मूले मैंने आपको बताया है आर इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ जेड दैट इज रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसको फाइंड करने के लिए आप रूट लेते हैं, ए स्क्वायर मतलब होता है माइनस वन स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब रूट थ्री स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा माइनस वन स्क्वायर इज वन, रूट थ्री स्क्वायर इज थ्री, वन प्लस थ्री फोर, ये हो गया रूट फोर एंड दैट इज टू। हमारा जो आर आ चुका है टू, इसको हम अलग से इस तरह से लिख सकते हैं आर इज इक्वल टू टू। अब हमारा एम्पलीट्यूड यानी कि इसका जो मॉड्यूलस है वो आ चुका है, मॉड्यूलस आ चुका है। अब हमें थीटा निकालना है बिकॉज फॉर्मूला जो है पोलार फॉर्म उसमें आर के साथ साथ थीटा चाहिए। तो थीटा के लिए जैसे आपने देखा यहाँ पर एक कॉस थीटा मैंने बताया ए अपॉन आर, तो आप कॉस थीटा यूज कीजिए, कॉस थीटा ए अपॉन आर। ये कहाँ से आया था आप यहाँ लिख सकते हैं वी हैव, इस तरह से आप लिख सकते हैं कॉस थीटा इज इक्वल टू ए अपॉन आर। अब कॉस थीटा इज इक्वल टू ए, ए इज वॉट माइनस वन और आर, आर जो यहाँ पर वैल्यू आई है टू। अब याद कीजिए कि ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में जो कॉस थीटा की वैल्यू वन बाई टू कब होती थी, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस वन बाई टू तब होता था जब कॉस सिक्सटी होता था, सिक्सटी डिग्री अगर आपको याद है, तो यहाँ माइनस है तो माइनस रखिए। अब यहाँ पर हमको देखना है थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, थीटा दोनों कंपेयर करके डायरेक्ट थीटा की जगह 60 नहीं ले सकते बिकॉज यहाँ माइनस साइन है। तो सबसे पहले हमको चेक करना पड़ेगा कि जो थीटा है वो कौन से क्वाड्रेंट में है। अब ये क्वाड्रेंट का क्या कंसेप्ट है वो जरा देख लो आप। सबसे पहले आपको पता है कि नहीं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या रेशियो अगर आपने सीखा है 11th स्टैंडर्ड में तो आपको आता होगा, 10th स्टैंडर्ड में सीखा होगा आपने, नहीं तो देखिए इस पर ध्यान दीजिए मैं बताता हूँ। एक्स एंड वाई एक्सिस होता है, इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं, सेकंड कहते हैं, थर्ड कहते हैं, फोर्थ कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैं बताने जा रहा हूँ, इसको ध्यान से देखिए। ये ओरिजिन होता है दोस्तों, ये जीरो डिग्री होता है, यहाँ 90 डिग्री, ये 180 डिग्री और ये 270 डिग्री एंड 360 डिग्री होता है। ये जो 180 है इसको हम पाई रेडियन भी बोलते हैं, 90 को पाई बाई टू बोलते हैं, इतना याद रखिए। अगर एक कोड है ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी, इसका मीनिंग ये होता है ए फॉर ऑल, यानी जो साइन कॉस टेन कॉट से कोशिक सब के सब यहाँ पॉजिटिव होते हैं। जो सेकेंड क्वाड्रेंट है उसमें एस होता है, एस फॉर साइन एंड कोसेक, यहाँ पर सेकेंड क्वाड्रेंट में ओनली साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब निगेटिव होते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में टी फॉर टेन एंड टेन का भाई कॉट, ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब निगेटिव होते हैं। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस एंड सेक ये पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब निगेटिव होते हैं। तो ये चीज़ें हैं, ये शॉर्टकट है उसके लिए, इसे आपको याद रखना है। अब कभी भी पहले तो आप क्वाड्रेंट चेक कीजिए कि ए माइनस वन और बी रूट थ्री, यहाँ लिखेंगे माइनस वन रूट थ्री, ये माइनस वन रूट थ्री लाइज इन विच क्वाड्रेंट, माइनस प्लस, याद कीजिए ये होता था प्लस प्लस, ये माइनस प्लस, ये माइनस माइनस, ये भी आपने सीखा हुआ है सिंबल से बताना।
तो ये माइनस और ये प्लस होता है, इसलिए माइनस प्लस जो है सेकेंड क्वाड्रेंट में आता है। हमारा जो क्वेश्चन है माइनस प्लस है, माइनस वन और प्लस रूट थ्री, तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है। अगर कोई भी सेकेंड क्वाड्रेंट में है और यहाँ पर देखिए कॉस नेगेटिव है, कॉस की वैल्यू नेगेटिव है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव है क्योंकि साइन एस फॉर साइन और कॉसिक पॉजिटिव है, तो कॉस नेगेटिव है तो यहाँ कॉस नेगेटिव चाहिए तो हमें सेकेंड क्वाड्रेंट में लेना है। सेकेंड क्वाड्रेंट में हमेशा पाई माइनस थीटा करना चाहिए, पाई माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में, और कभी थर्ड क्वाड्रेंट करना पड़ा तो पाई प्लस थीटा करना चाहिए। ये कंसेप्ट आप याद रखिए, हमेशा जब भी नेगेटिव टर्म यहाँ पर आता है तो उसको हम कन्वर्ट करते हैं माइनस को हटाने के लिए, पहले चेक करते हैं वो कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकेंड में है तो पाई माइनस करना होगा पाई माइनस थीटा, और थर्ड क्वाड्रेंट में है तो पाई प्लस थीटा करना होगा, तो ये नेगेटिव साइन हट जाएगा। ये आप बिल्कुल ध्यान रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो रिपीट करके देखिए वीडियो। अब सेकेंड क्वाड्रेंट में है, अब इसको हम चेंज करते हैं, कॉस थीटा इज इक्वल टू, जो ये माइनस हटाने के लिए मैं करता हूँ, कॉस 60 को लिखूंगा 180, यानी पाई माइनस जो मैंने सिखाया, पाई माइनस यानी 180 माइनस 60, जो थीटा है मेरा पाई माइनस थीटा, पाई का मतलब होता है 180 माइनस थीटा। अब मेरा थीटा जो 60 है 180 माइनस 60, सो क्वेश्चन चेंज हो जाता है, कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस 180 माइनस 60 हो जाता है 120। इसको अभी आगे सॉल्व करते तो कंपेयरिंग दोनों साइड करोगे तो थीटा की वैल्यू आ जाती है 120। यहाँ पर थीटा मुझे मिल गया है 120, लेकिन अभी तो पोलार फॉर्म करना था हमें, रिप्रेजेंट इन पोलार फॉर्म, तो कैसे करेंगे देखिए। अब इसका रिप्रेजेंटेशन है द पोलार फॉर्म इज, पोलार फॉर्म आपको पता है ये, इस तरह से आप इस तरह से लिखिए, जेड इज इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, एंड यहाँ पर जेड की वैल्यू जो है वो लाने के लिए आर सब्स्टिट्यूट कीजिए, आर जो आपने टू लाया हुआ है यहाँ पर, टू ब्रैकेट के अंदर कॉस थीटा की जगह पर आपको 120 लेना है। फ्रेंड्स जो थीटा होता है, जो एंगल होता है, उसे हमेशा रेडियन में रखना चाहिए। 120 होता है वो 2π/3 होता है, 2π/3 रेडियन, ये एंगल एंड इट्स मेजरमेंट चैप्टर में आपने कन्वर्ट करना सीखा है कि पाई 180 होता है तो 180/360 होता है। अब यहाँ पर थीटा की जगह पे आप 2π/3 रखिए प्लस आई साइन 2π/3। अगर आपको ये कन्वर्ट करने नहीं आ रहा है तो एंगल एंड इट्स मेजरमेंट चैप्टर में जाके देखिए, फिर भी नहीं आ रहा है तो मेरे जो वीडियोस आने वाले एंगल एंड इट्स मेजरमेंट उसमें मैं सिखा दूंगा। तो इस तरह से आपने क्या किया कि एक दिया हुआ कॉम्प्लेक्स नंबर था उसको पोलार फॉर्म में कन्वर्ट करना था, उसको आप सॉल्व करते गए, उसमें ए और बी की वैल्यू फाइंड किया, उसमें आपने जेड का मॉड्यूलस निकाला यानी आर निकाला। इस फॉर्मूले से आर आने के बाद आप कॉस थीटा हमेशा लेते हैं ए अपॉन आर करके, और कॉस थीटा आने के बाद ये जो मेन टर्म है यहाँ माइनस हटाने के लिए ये पूरा ट्रिग्नोमेट्री का कंसेप्ट आप यूज़ करते हैं, और उसके लिए पहले आप चेक करते हैं ए और बी की वैल्यू से कौन से क्वाड्रेंट में वो लाए करता है, देन उसको सॉल्व करके थीटा की वैल्यू आप लाते हैं, उसको हमेशा रेडियन में कन्वर्ट करना है, और उसके बाद जो है आपका पोलार फॉर्म आपको मिलता है। पोलार फॉर्म के लिए ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं, इसमें आर और थीटा की वैल्यू रख देते हैं तो आपका पोलार फॉर्म आ जाता है। तो दोस्तों इस तरीके से हमें जो है कोई भी पोलार फॉर्म में कन्वर्ट करना है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को। अब जो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक्सप्रेस इन एक्स प्लस आई वाई फॉर्म, यानी कि अभी उल्टा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि पोलार फॉर्म दिया हुआ है और उसको आपको क्या करना है कि x प्लस आई वाई यानी ये वाला जो फॉर्म था a प्लस बी आई उस फॉर्म में लाना है। तो बिल्कुल जो क्वेश्चन नंबर 6 की थी उसका रिवर्स क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 8 में जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कहता है रूट थ्री कॉस 8π/6 प्लस आई साइन 8π/6, देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करना है। आप देखेंगे ये एक तरह से r की वैल्यू रूट थ्री है और ये थीटा की वैल्यू है, अब इसको हम लोग a प्लस बी आई के फॉर्म में कन्वर्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले इसको z कंसीडर कर लीजिए, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, z इज इक्वल टू रूट थ्री, यहाँ पर cos 8π/6 ऐसे 2 4s और 2 3s कर सकते हैं, 2 4s और 2 3s, तो ये चेंज हो जाता है cos 4π/3 प्लस i sin 4π/3 में। अब इसको आगे हम लोग सॉल्व करते, अब 4π/3 कितना होता है एग्जैक्ट देखिए, π/3 होता है 60, 5/3 60 इंटू 4 into 60 240 होता है, यानी एग्जैक्टली देखा जाए तो ये 180 प्लस 60 करेंगे तो 240 आता है।
तो आप मुझे कॉस 4 बाई 3 की वैल्यू तो पता नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री टेबल भी हमने सीखा है तो 90 तक का ही सीखा हुआ है, 0, 30, 45, 60, 90। अब 240 जो है 4 पाई बाई 3 उसकी वैल्यू तो मुझे पता नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ इसको कन्वर्ट करके 90 से कम में कन्वर्ट करता हूँ। कैसे करेंगे देखिए, जेड इज इक्वल टू रूट 3, इसको मैं करता हूँ कॉस, ये जो 4 पाई बाई 3 है इसमें आपने देखा कि ये 240 होता है, तो 180 अपॉ प्लस 60 करते, 180 यानी क्या होता है पाई और 60 होता है पाई बाई थ्री, तो 4 पाई अपॉन 3 को पाई प्लस पाई बाई थ्री करेंगे और यहाँ भी क्या होगा पाई प्लस पाई बाय थ्री करेंगे। देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो फिर वही आ जाएगा, 3 इंटू पाई, 3 पाई प्लस 1 पाई 4 पाई अपॉन 3। आगे सॉल्व करते हैं, जेड इज इक्वल टू रूट 3। अब देखिए एक फॉर्मूला ये होता है कि जब भी यहाँ बताता हूँ मैं आपको, कॉस पाई प्लस थीटा रहे तो जब ये पाई होता है तो पाई हट जाता है, पाई हट जाएगा और ये कॉस थीटा आ जाता है, कॉस थीटा, और ये आपको देखना है पाई प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है। आप यहाँ से देखेंगे, ऑल स्टूडेंट टेक कॉफ़ी, ये पाई था आपको मैंने बताया था, पाई प्लस मतलब पाई प्लस थीटा यहाँ थर्ड क्वाड्रेंट में होता है, और थर्ड क्वाड्रेंट में तो ओनली टी दिया हुआ है, टी फॉर टेन पॉजिटिव, टेन और कॉट पॉजिटिव, ये तो कॉस है तो ये निगेटिव आएगा, तो यहाँ पर माइनस आने वाला है, माइनस कॉस थीटा, यानी ये पाई प्लस है, पाई प्लस थर्ड क्वाड्रेंट में होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन पॉजिटिव होता है, कॉस निगेटिव होता है, तो माइनस कॉस, और ये जो पाई पाई हट जाएगा ओनली पाई बाई थ्री यहाँ रह जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पर आप देखेंगे साइन है, तो ये आई और ये साइन पाई प्लस है, थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन पॉजिटिव होता है, साइन निगेटिव होता है, तो यहाँ पाई बाई थ्री आएगा और ये माइनस आएगा। इसको आगे सॉल्व करते हैं, जेड इज इक्वल टू रूट 3 इंटू माइनस कॉस 60, कॉस 60 आपको पता है 1/2 होता है, माइनस आई साइन 60, साइन 60 रूट 3/2 होता है। अब ये जो रूट 3 है अंदर लेके जाइए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, रूट 3 इंटू 1 रूट 3 अपॉन 2 माइनस है, फिर माइनस रूट 3 इंटू रूट 3 3 अपॉन 2 और यहाँ पर आई है, तो आपको इस तरह से x प्लस आई वाई का फॉर्म मिल जाता है। ये आपने देखा किस तरह से हम पोलार फॉर्म से x प्लस आई वाई का फॉर्म कन्वर्ट करते हैं, ये आपने देखा किस तरह से x प्लस आई वाई यानी a प्लस बी आई का फॉर्म होगा तो हम पोलार फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। फ्रेंड्स इसके आगे के भी कुछ क्वेश्चन है जो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करने वाले हैं, फिलहाल ये जो पार्ट है इसमें आपने देखा जो थर्ड एक्सरसाइज है उसके बहुत सारे क्वेश्चन। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहे हैं तो इसे जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।